इधर कुशीनगर में बड़े स्तर पर मौत मारने वाले अनरजिस्टर्ड और बगैर डिग्री वाले लोग अस्पताल नर्सिंग होम ऑपरेट कर रहे हैं। हैरत में डालने वाली बात यह है कि कुशीनगर में बीते कुछ दिनों में दर्जनों मौतों के बाद भी स्वास्थ्य महकमा सिर्फ जांच कर कार्रवाई के दावे कर रहा आश्वासन दे रहा है, पर जमीनी स्तर पर कोई कुछ नहीं कर रहा है। कुशीनगर में वैसे तो सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम राम भरोसे है, जिसका फायदा सैकड़ों फर्जी अस्पताल उठा रहे हैं, जो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुशीनगर में कुल 181 पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड अस्पताल है, लेकिन इसके अलावा भी सैकड़ों अस्पताल फर्जी रूप से संचालित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि मोटी रकम बैठने के चक्कर में वार्ड बॉय से लेकर चौकीदार तक मरीजों के साथ खिलवाड़ करने में उतर आए हैं। जनपद में लगातार जो है अस्पतालों में मौतें हो रही हैं, विभाग किस तरह की कार्रवाइयां करता है और अस्पतालों को लेके किस तरह के अभियान चल रहे हैं? जो जनपद में जितने भी नर्सिंग होम्स या प्राइवेट चिकित्सालय रजिस्टर्ड हैं, उनकी नियमित जांच कराई जा रही है, और जहां कहीं भी कोई ऐसी जांच में पाया जाता है तो उसको तुरंत उसके विरुद्ध कार्रवाई करके उसको सील बंद कर दिया जाता है। निरंतर इस पर निगाह रखी जा रही है और सभी मेडिकल अफसर को, नोडल अफसर को अलर्ट कर दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो भी अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं या सेंटर हैं उन पर तुरंत कार्रवाई कर दी है। लोगों को ज़्यादातर जानकारियाँ नहीं रहती हैं गाँव में कि अगर इलाज कराना हो तो किस अस्पताल पर बेहतर रहेगा और किस जगह जाएँ, इसके लिए जो है जागरूकता जो है चलनी चाहिए। जागरूकता के लिए विभाग किस तरह का जो है काम करता है? नहीं, जनता में जागरूकता के लिए